यहाँ पे मेरे ख्याल से फिर कर दिया है कोई पंगा। ये जिप्सी पूरी पूरी डूब गई है, पूरा पानी चला गया है। तो अपनी बैंगलोर अपनी यहाँ पे दोनों गाड़ियों को रिकवर करेगी। तो निकल चुके हैं हम अपनी मंजिल की ओर। जान दो जान, खींच करो पानी में रोकनी नहीं गाड़ी। देखो ड्राइव कौन कर रहा है सैनी भाई, आज ऑफ रोडर बने हुए हैं। I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas tryna sound like us. Say they ready for the fun, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where those caps going. Well, all you steal down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get crushed later. The future's in my eyes. Cause all I want is cash and things. तो गाइस यहाँ पे मेरे ख्याल से फिर कर दिया है कोई पंगा। तो गाइस यहाँ देखिए ये जिप्सी पूरी पूरी डूब गई है गाड़ी। हाँ पानी अंदर भी पूरा पानी चला गया है, अंदर भी पानी गया है। वो निकालने वाली भी बच गई है क्या जी? पानी के अंदर? हाँ पानी भी के अंदर। तो ये आप बांध के ले रहे थे? ये फंस गई थी, इसको निकालने लगे। अच्छा ये भी फंस गई, कोई बात नहीं। तो अभी ऋषभ भाई को बोलते हैं, भाई आपकी जरूरत पड़ गई है। संकट मोचन जी, संकट मोचन तो ठीक है भाई। आज आपने फोर व्हीलर ऑटोमोबाइल ने आज बड़ा कमाल कर दिया। आज ये गाड़ी बिल्कुल सेट कर दी है इन्होंने, ठीक है। ये बहुत ही बुरा हाल हो चुका था, फंस चुकी थी गाड़ी बिल्कुल। और ये हमारे अमित भाई है, बिल्कुल सेट कर दिया इसको एकदम। कमाल वाला तो, कोई बात नहीं है, स्किल्स वाले सारे भाई हैं अपने। कभी हम भी फंसते हैं, वो भी निकालते हैं। तो ये तो है, चलो हमारे पास विंच नहीं है बट थोड़ा सा टैलेंट है उसका, थोड़ा सा अगर। अरे भाई मैं सॉरी, अब मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कह रहा हूँ कि आपने कमाल कर दिया आज। ये कि कोई किसी और के पास ये स्किल नहीं है जो आपके पास है। विंच से तो कोई भी कर लेगा, लेकिन जो आपके पास जो स्किल है ना। नहीं नहीं मैं वही बात कह रहा हूँ कि पूरा ग्रुप है तो एक दूसरे का साथ तो देना बनता ही है। बिल्कुल बिल्कुल, एक दूसरे की हेल्प करनी, एक दूसरे की जिसकी जिसको भी जहाँ पे जो नीड है हेल्प की वो तो करनी जरूरी है। ग्रुप में आने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोली। तो लेकिन फिर भी आपने बहुत अच्छा काम किया आज। आपने गाड़ी ठीक रिकवर होगी, नहीं तो मुश्किल हो जाती है। हाँ मुश्किल हो जाती है, वही तो बात है ना। तो उनकी गाड़ियाँ शायद फंस चुकी हैं। तो गाइज कुछ ऑफ रोडर्स जो थे वो बाहर से आए थे तो उनकी गाड़ियाँ भी फंस चुकी हैं। तो अभी हमारी टीम उनकी हेल्प करने जा रही है, तो आपको दिखाते हैं। चलो दिखाते हैं। तो गाइज जैसे कि आपको बताया था कि गाड़ियाँ दोनों फंस चुकी थी। एक्चुअली क्या, पहले एक गाड़ी फंसी थी, दूसरी गाड़ी उसको निकालने के लिए गई तो वो भी फंस चुकी है। तो अपनी रेंगुलर अभी यहाँ पे दोनों गाड़ियों को रिकवर करेगी। तो ये तो चलता रहता है, ये इंसानियत नाते भी कर ही देना चाहिए। वैसे तो हम आगे निकल रहे थे जब इनको देखा फंसे हुए हैं, तो हम सारे यहीं पे आ गए। हमने कहा पहले इनको भी निकालना जरूरी है। तो गाइस देखिए ये गाड़ी फंसी है, वो गाड़ी फंसी है और रेंगुलर वहाँ से उसको रिकवर कर रही है। तो इसके साथ मेरे ख्याल से एक एक करके निकालेंगे, दोनों नहीं आएंगे। तो पहले उसको रिकवर कर रहे हैं, उसके बाद इसको रिकवर करेंगे। राइट साइड। तो बड़े आराम से जा रही है जिप्सी, वैसे ही लाइट वेट होती है तो आराम से निकल जाएगी। और तो मेरे ख्याल खुद भी ट्राई करेंगे, फोर्स से भी निकल जाएगी। और निकल गई है, काफी हो रही है भाई। तो गैस ठंड काफी है, ठंड में पानी में घुसना भी हिम्मत चाहिए। तो इसके साथ अभी ये हुक लगा रहे हैं क्योंकि हुक पानी में है, वो दिख भी नहीं रही है इनको। तो अभी अंदाजे से ही हाथ लगा के चेक कर रहे हैं भैया। तो रेंगुलर सामने आ गई, तो गाइस अब देखिए
कितने आराम से निकलेगी है, नहीं तो इसको रिकवर करना मुश्किल होता। पानी इसके अंदर तक, पूरा पानी अंदर तक गया हुआ गाड़ी है। तो गाइस देखिए आपको दिखाते हैं कैसे विंच। तो ये अपनी लाइनअप हो गई हैं गाड़ियां और ये जा रही हैं अब आगे नया ट्रैक ढूंढने, नई लोकेशन आप देखेंगे अब। ये देखो भैया, देखो भाई पीछे भी आ रहे हैं, अभी पूरा लाइनअप चल रहा है जी, पीछे भी है। थोड़ा सा टाइम हमारा वहाँ वेस्ट हो गया ना, वो टाइम वहीं पे गया ना हमारा सारा, ये जो गाड़ी को हमने फिक्स करना था जो उसकी वो पाइप उसी पे निकल गया सारा टाइम हमारा। चलो फिर भी नया था कुछ तो सही था। देखा आपने क्या हुआ है भाई साहब, भाई ने पहाड़ चढ़ा दिया। अपना अमित आ गया, एक बार फिर से। तो गाइस यहाँ पे ये गाड़ी फंस चुकी है और इसको भी रिकवर किया जा रहा है। भाई अपनी गाड़ी आ रही है, ये अपनी सैंड माफिया आराम से आ गई यार, कितनी हाई से निकली है और आराम। ये अब यहीं से नीचे लाना है तो ला रहे हैं। बड़ी आराम से नीचे आ गई, तो गाइस यहाँ चेक कीजिए ये गाड़ी बुरी तरह फंस गई है। आपको याद होएगा कि हमने लास्ट ही दिखाया था कि हमारी गाड़ी भी एग्जैक्ट यही फंसी थी और ऐसे ही फंसी थी, तो एक गाड़ी की विंच, थैंक यू भैया, तो एक गाड़ी की जो विंच है वो टूट चुकी है, दूसरी गाड़ी लगाई है हमने यहाँ पे अपनी संकट मोचन और एक थार भी लगाई है इसको निकालने के लिए। तो गाड़ी इतनी ज़्यादा फंस चुकी है, चेसिस नीचे लग चुकी है कि निकलना थोड़ा सा मुश्किल है, बट निकाल लेंगे। वेरी गुड, बस गुड शो, मजा आया ना। तो गाइस ये देखिए अभी रात हो चुकी है, तो जैसा कि मैं आपको बताता हूँ आईफोन है इसमें इतना दिखता नहीं है, बट अंधेरा काफी हो चुका है। तो गाड़ियां अभी हमारी यहाँ पे लग चुकी हैं सारी, अब तो वैसे वापस जाएंगे। तो गाइस बताइएगा आपको कैसा लगा व्लॉग्स, आपको व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं आपके लिए रेगुलर अभी ऑफ रोड कर रहे हैं, बीच में थोड़ा सा गैप डल गया था तो अभी कोई गैप नहीं डलेगा, वीडियोस बैक टू बैक मिलेगी आपको, बस अपना सपोर्ट बना के रखिए ताकि हम कुछ अच्छा से अच्छा कर पाएँ। तो आज तो वैसे काफ़ी ट्राई की हमने भी कुछ एक्सट्रीम करने की, तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखा के रखिए। तो हमेशा की तरह जैसे कि मैं कहता हूँ अपनी और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। तो ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, तो मिल लेंगे आप कल अपने नेक्स्ट ब्लॉग पर। तो ओके, बाय बाय, गुड नाइट।